देख रहे हैं अंबर टाइम्स। उज्जैन रेंज आईजी संतोष कुमार सिंह सोमवार को अल्प प्रवास पर रतलाम आए। अपने प्रवास के दौरान आईजी ने पुलिस लाइन पहुंचकर परेड का निरीक्षण किया। बाद में परेड मार्च पास्ट करते हुए सलामी मंच के सामने से भी गुजरी। आईजी ने निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को निर्देश भी दिए। बाद में आईजी ने शहर के थानों का भी निरीक्षण कर चोरी सहित अन्य हो रही वारदातों पर लगाम कसने के निर्देश भी दिए। चोरों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब शहर में पुलिस महानिरीक्षक का आगमन हो रहा था, उसे ठीक पहले चोरों ने स्टेशन रोड की दो दुकानों के ताले चटका कर लाखों रुपए की चोरी का कारनामा कर दिखाया। वहीं एक चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जहां दो आरोपी मुंह पर मास्क पहने हुए ताला तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेशन रोड थाने से महज आधा किलोमीटर दूर पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर स्थित रॉयल कैफे में तड़के करीब 4 बजे चोर दुकान का दरवाजा काटकर भीतर घुसे। इस रेस्टोरेंट में नगद राशि नहीं थी, इसलिए चोर सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर और हार्ड डिस्क आदि चुरा कर ले गए। कैफे संचालक श्रीकांत दोषी के मुताबिक बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने पर पता चला कि तड़के करीब 4 बजे दो चोर यहां पहुंचे थे। चूंकि दरवाजे का ताला बेहद मजबूत था, इसलिए चोरों ने दरवाजे को ही काट दिया और भीतर घुस गए। दूसरा कारनामा चोरों ने इसी के नजदीक फर्स्ट फ्लोर पर स्थित शिवानी फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में दिखाया। यहां के सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि रात करीब 4:30 बजे दो चोर भीतर घुसे थे और वे 15 मिनट तक भीतर रहे। शिवानी फाइनेंस के संचालक के अनुसार ऑफिस में 5-6 लाख रुपए नगद रखे हुए थे, जिन पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सोमवार सुबह वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे। बैंक के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में जैकेट पहने दो युवक ताले तोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही व्यक्तियों ने मुंह पर मास्क बांध रखा था। श्रीकांत दोषी, किस तरह की चोरी हुई है, क्या घटना हुई है? ये करीब रात को 4:20 की बात है। दो चोर आए थे, एक एक करके वो आए। उन्होंने नीचे जो मेरा यहाँ का लॉक है, उस लॉक का जो नकुचा होता है, नकुचे को उन्होंने तोड़ा। तोड़ने के बाद वो ऊपर घुसे। ऊपर घुसने के बाद उन्होंने यहाँ का सारा जो सामान था उसको बिखेरा करा। और जो यहाँ पर खुले नकदी पैसे पड़े हुए थे लगभग 4-5 हज़ार रुपये के लगभग कुछ था। और यहाँ का जो DVR था जिसमें उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी, वो DVR और हार्ड डिस्क को पूरी यहाँ से निकाल के ले गए। और भी कुछ चीज़ें लेके गए जिसकी जानकारी भी मुझे है नहीं यहाँ पर, मैं उसको चेक करूँगा, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा। क्या है आपकी काई की शॉप है? ये कैफे है मेरा, रॉयल व्हीकल कैफे। पहले भी कभी चोरी वगैरह हुई? नहीं नहीं, पहले किसी प्रकार की कोई भी चोरी नहीं हुई। किसी अधिकारी वगैरह सूचना दिए? हाँ जी, पुलिस वगैरह थाने से आ गए थे, वो पूरा चेक करके गए हैं, पूरा फोटो वगैरह क्लिक करके गए हैं। और तहकीकात चल रही है सभी जगह के कैमरे वो चेक कर रहे हैं। शहर में हर तरफ आवारा कुत्तों का खौफ होने से शहरवासियों में भय का माहौल है। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि बच्चों का घर से बाहर निकलना भी दुभर हो गया है। वार्ड नंबर 33 में कुत्तों एवं आवारा पशुओं से परेशान नागरिकों ने कलेक्टर, आयुक्त एवं महापौर से तुरंत समस्या के निदान की मांग की है। इस क्षेत्र के रहवासियों ने बताया, एक मोहल्ले की बात हो गई, लेकिन अगर पूरा रिकॉर्ड वास्तव में विधिवत तरीके से रखेंगे तो आपको 20 से ज्यादा लोग डेली के मिलेंगे। 20 लोगों को अगर रोज कुत्ते काटेंगे तो हम आपके शहर में कैसे रह पाएंगे सही तरीके से? इस मामले में पार्षद प्रतिनिधि विजय सिंह चौहान ने बताया, नगर के क्षेत्रवासियों द्वारा अपना कुत्तों के आतंक के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शित किया गया है। मैं नगर निगम आयुक्त महोदय से और महापौर जी से, साथ ही रतलाम के कलेक्टर महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ के रतलाम के वार्ड नंबर 33 की कुत्तों की समस्या काटने की और झपकने की लपकने की, ये मात्र हमारे वार्ड की समस्या नहीं है, पूरे रतलाम शहर की समस्या है। इसके लिए, इस समस्या के हल के लिए मैंने पूर्व में भी महापौर जी से, आयुक्त महोदय से निवेदन किया था। साथ ही कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षद महोदयों के साथ में हमने जाके मिले थे, भेंट करी थी और आपसे निवेदन करा था कि इस समस्या का निराकरण शीघ्र शीघ्र किया जाए। विगत कई दिनों से हम देख रहे हैं प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से,
के कुत्ते निरंतर बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सभी को अपना शिकार बना रहे हैं। इस समस्या का तुरंत निराकरण करें ताकि आम जनता इसके प्रति छुटकाव मिले, और यही विनय अनुरोध है आपसे। अन्यथा अब जनता का धैर्य जवाब दे चुका है और ये रोड पर आएंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी, निगम प्रशासन की एवं कलेक्टर महोदय की रहेगी। मैं अपने आप को, स्वयं को भी इस कार्य में इनकी मदद नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए अपने आप को, स्वयं को मैं दोषी मानता हूं। और साथ ही आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम जनप्रतिनिधि जो हम चुनाव जीते हैं, हमने इन लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम आपकी समस्या का निराकरण करेंगे, पर हम इस समस्या के लिए ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद भी इस पर कोई निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। मैं निगम आयुक्त महोदय एवं कलेक्टर महोदय से, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपके हाथ पे सब पावर है, आप तुरंत प्रभाव से इस पे तुरंत एक्शन लें। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली के बाद दीप मिलन समारोह की परंपरा रही है। पहले कुछ समाज और सामाजिक संस्थाएं इस परंपरा का निर्वहन करते थे, बाकी दीपावली के दूसरे दिन पड़वी पर्व पर एक दूसरे से मिलकर शुभकामनाएं देते थे। लेकिन चुनावी साल में दीप मिलन समारोह राजनीतिक दल आयोजित कर अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन करते हुए बम्पर आवक की तरह दीप मिलन समारोह कर रहे हैं। भाजपा में स्थानीय संगठन ने तो कोई मिलन समारोह नहीं किए, लेकिन भाजपा के अलग अलग गुट मिलन समारोह कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भाजपा के नगर विधायक ने अपने निवास पर मिलन समारोह किया, इसे निजी समारोह बताते हुए भाजपा के दूसरे गुट ने मैदानी कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह आयोजित कर नए राजनीतिक समीकरण के संकेत दिए। सोमवार को ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने अलग से मिलन समारोह का आयोजन कर ग्रामीणों के साथ शहरी भाजपाइयों की भीड़ कर अपनी राजनीतिक ताकत बताई। जमीन नामांतरण के नाम पर पटवारी द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को मिला। वीडियो की प्रारंभिक जांच के बाद उन्होंने पटवारी राजेश सोनी को तत्काल निलंबित कर दिया। हलका नंबर 16-21 पर पदस्थ पटवारी राजेश सोनी ने नामांतरण किए जाने को लेकर सरवन थाना क्षेत्र के एक किसान से रिश्वत मांगने का वीडियो कलेक्टर को मिला था। किसान ने पटवारी को 5,000 रूपए दिए। पटवारी को रिश्वत देने का वीडियो शनिवार को कलेक्टर को मिला। वीडियो की प्रारंभिक जांच में कलेक्टर ने पाया कि पटवारी सोनी ने रिश्वत मांगी है। उस आधार पर उन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम 1 के प्रावधान के तहत तत्काल निलंबित कर दिया। बताया जाता है कि रिश्वत देने की घटना लगभग 3-4 दिन पुरानी है। वीडियो बनाने के बाद संबंधित ने राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों को भी भेजा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं होने पर शनिवार को उक्त वीडियो कलेक्टर को भेजा गया। इस पर कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित कर दिया। पटवारी राजेश सोनी ने बताया कि ग्राम गायरी पाड़ा में जमीन का नामांतरण कराने के लिए उदयपाल सिंह राठौड़ ने मुझसे बात की थी। उसने जल्दी नामांतरण कराने के एवज में 5,000 रूपए दिए थे। रतलाम के एक कथित मीडिया कर्मी ने वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के अगले दिन उसने वीडियो अधिकारियों को नहीं भेजने के एवज में 50,000 रूपए की मांग की थी। तो वो तो उनका उनका काम तो जो करना चल रहा है वो चला है ना, अपना काम तो मेरा क्या है कुछ समझ में आता है अमाउंट का। हाँ वही तो, इतना अमाउंट का कुछ बात का है क्या? 20,000 तो किसको बोलते हैं? मतलब ये मतलब क्या, तो अपना क्या नामांतरण 50-60,000 में पड़ेगा क्या? वही क्या ना, वही क्या ना, 30,000 तो 20,000 नहीं, जो बात है 10 की वो 10 ही करो आप। तो 4,500 रुपये लिए हैं, 4,500 अभी फिर बाद में क्या बोल रहे हैं? काम तो आगे पकड़ू, मैंने कभी अभी इतना तो पकड़ो यार। नहीं तो आपको ये आप बोलना था कि 5,000 अभी ले लो, 5,000 हमारे जब वो नामांतरण रह जाएगा 5,000 फिर हम आपको देंगे। हाँ तो मैंने वही बोला, हाँ अमल जो हो जाए 4,500 पड़े थे, मैंने दीजिए 4,500 रुपये। तो उन्होंने बोला कि क्या मतलब काम चालू कर दो फिर अपन दे देंगे। पूरे पूरे की कहानी करी अभी कहीं के पूरे की 10 की गोली ना जो मैंने आपको बोला था, उसने 10 से पहले बोली रहा था 20,000 की, 4,500 अभी पकड़ा के आ गया हूँ मैं। तो बोला कि बाकी का क्या है? तो बाकी बोला कि 5,000 ही देना है और बाकी अपना। आपने तो बोला कि 5,000 रुपये दे देंगे, पर पहले जब तक अमल नहीं कराए मालूम पड़ेगा कि पैसे पूरे दे देंगे ना, फिर एक महीना फिर अमल नहीं कराएगा तो फिर
उसके लिए तो मैंने पूरा पैसा कहाँ से देता मेरे हाँ इसलिए हाँ मैंने इसलिए आपको बोला था कि 5,000 की भी हाँ इसलिए करना था कि भैया अभी अमल कर दो और हम साथ ले जाओ भैया अमल करेगा जैसे नकल हमें निकलेगी ना पैसे ले लो। मैंने वही बोला असल सर ने यही लोग अभी बोला कि बोला भैया उसको इतने मुँह फाड़ रहा तो उसको पहले उसको आधे पैसे दो बोलना ही अमल हो जाए उस दिन जैसे अमल हो हमको नेट पर दिखेगी हमारे को वही बोला 5,000 भी वापस ले लो मेरे हाथ में आएंगे सब कुछ सही हाँ फिर 5,000 भी ले लो अशोक सर भी यही कह रहे हैं अभी। सूजी का हलवा खाने से एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हो गए हैं। परिवार के 2 बड़े तथा 2 बच्चों को जावरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उनका उपचार किया जा रहा है। खबर के मुताबिक हार्ट पिपलिया के एक परिवार ने अपने घर पर सूजी लाकर हलवा बनाया था। ये हलवा खाने के बाद उदल पिता नाथु धनगर सहित पत्नी और 2 बेटियां फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। बताया जाता है कि उदल ने 2 घी के पैकेट और 1 सूजी का पैकेट एक किराना दुकान से खरीदा था। रात को ही पत्नी तेजाबाई बेटी चेतना अंशु और पति उदल को उल्टी दस्त होने लगे थे। अब खाद्य विभाग भी गांव जाकर उस दुकान की सैंपलिंग करने की बात कह रहा है। जावरा अस्पताल में भर्ती उदल ने बताया शाम को गए थे मेरे दुकान से किराना दुकान सूजी का पैकेट 25 रुपए लिया उन्होंने 500 ग्राम के ने 2 पैकेट घी का दे 40 रुपए लिया उन्होंने उन्हें लेकर 8 बजे घर 5 बजे लिया 8 बजे आके घर जाके बना खाए इतने 9:30 बज गए फिर रात में 11 बजे वापस 10 उल्टी चालू हुई गैस बढ़ाने लग गया मेरे और मेरे 2 बालिका मेरे और मेरे मैसेज के फिर उसके बाद मैं सुबह दुकान गया तो सेठ ने पापा को भगा दिया कि ये तो मैंने नहीं एक पान ले गया कहाँ से ले गया ना साहब को बोला साहब ने फिर चर्चा करी फिर उन्होंने बोला कि जो हो इलाज करवा लो पैसे दे देंगे हमने बोला इलाज नहीं करा हम तो जावरा जा रहे सरकारी में बताएंगे हट भी लगे हट भी लगे साहब वो आए नहीं वो शाम को बोल रहे चौकी वाले फिर वो कभी जावरा एम्बुलेंस बुलवा ली था मैंने 8-9 बजे वापस जावरा आ गया हम ना भर्ती करवा ली पैकेट तो पैकेट देखा नहीं हमने और फिर खाया फिर से देखा तो दस्ता उल्टी चालू होगी ना बताया सरकारी डॉक्टर लोगों ने चेक करा तो बोलने लगे तारीख निकल गई इनकी तो इस मामले में डॉक्टर ने बताया सर एक ही परिवार के 4 लोग भर्ती हुए हैं क्या दिक्कत है ऐसा अभी सुबह सुबह ही जो है 4 लोग जो 2 बड़े और 2 बच्चे ऐसा मालूम हुआ है कि उन्होंने सूजी का हलवा जो है वो खाया था उसके बाद उनकी तबीयत जो है ख़राब हुई है तो यहाँ पे अभी सुबह उनको जो है भर्ती कर लिया गया है और प्राथमिक उपचार के बाद अभी उनकी हालत जो है स्थिर है। टीआईटी रोड स्थित नाकोड़ा भैरवनाथ मंदिर के 31वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शनिवार शाम को भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। पार्श्व भैरव आयोजक समिति एवं पार्श्वनाथ मित्र मंडल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित भक्ति संध्या में मुंबई से बुलाई गई राजेश शाह करण शाह म्यूजिकल पार्टी ने एक से बढ़कर एक जैन भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित धर्मालुओं को भक्ति भाव से सराबोर कर दिया। भक्ति संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।